सगळ्या रुग्णांची निर्लजपणे कुठेही चेहऱ्यावर आठी न येऊन देणाऱ्या आणि त्यांची सेवा करणाऱ्या 60 एक कर्मचाऱ्यांचा हा परिवार जसजसा मोठा होत झाला त्याच्यामध्ये सावली हा बेसिकली वृद्धाश्रम नाही आहे. आजार झालेल्या 2 वर्षाची आहे किंवा BSc सेकंड इयरला शिकत असलेला आणि एका कॅम्पमध्ये जाऊन रॅगिंगला बळी पडला, नंतर मानसिक डिसऑर्डर त्याला आली असाही मुलगा होता. एक आजी होते आमच्याकडे आवडायचं म्हणून त्यांचे पती रोज संध्याकाळी 4-4:30 वाजता त्यांना काहीतरी गोड घेऊन यायचे, मग लाडू असेल, खीर असेल, गुलाबजाम असेल, काही गोड आवडतं म्हणून त्या खायच्या, पण पूर्णपणे त्रयस्थ नजरेने त्यांच्याकडे बघायच्या. आणि हे जाताना नेहमी डोळ्यात पाणी घेऊन जायचे. तर मी एकदा विचारलं होतं त्या, कितीही तुम्ही केलं तरी त्या ओळखणार नाही आहेत तुम्हाला, का करताय तुम्ही? त्याच्यावर त्यांनी जे मार्मिक उत्तर दिलं, अशा अनेक अनुभवांनी जीवन समृद्ध होत जातं. सावलीला आज बसायची सन्मान मिळतो आहे आणि इतका मोठा पुरस्कार मिळतो आहे हा आमच्या आयुष्यातला एक माइलस्टोन आहे. हे काम करत असताना माझी आई हे खूप मोठा असा वाटा आहे. सावली सध्या भाड्याच्या जागेत आहेत. आजपर्यंत आम्ही 1167 लोकांना सर्व्हिस दिलेली आहे, सेवा देऊ केलेली आहे, पैकी 477 मंडळ ही पूर्ण. असाच एक अनमोल क्षण आपल्या सर्वांच्याही वाट्याला येतो आहे गौरव पुरस्काराच्या वितरणाच्या निमित्तानं. श्री आमिर खान आणि नितेश तिवारी. किसी और फंक्शन में नहीं जाते, किसी और अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते, लेकिन मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के पुरस्कार में ये दूसरी बार आज विराजित हैं. हर काम में अपने आप को झोंक देने वाले कलाकार, गुणी अभिनेता एवं निर्माता, सिनेमा के क्षेत्र से मिली हुई इतनी बड़ी पहचान उन्होंने देश और समाज के प्रति कुछ अच्छा करने के लिए उपयोगिता में लाई. डिसलेक्सिया जैसी कोई अनदेखी बीमारी हो या फिर सत्यमेव जयते में चर्चा में लाया गया कन्या भ्रूण हत्या जैसा कोई अत्यंत संवेदनशील प्रश्न हो, आमिर जी किसी भी मुश्किल सवाल को भिड़ने से नहीं डरे हैं. यही दंगल हमने देखी अभी अभी एक ऐसी फिल्म में जहाँ हमारे देश में दिखाई देने वाले विरोधाभास पर उन्होंने बहुत सही टिप्पणी की है. एक जगह हम लड़का और लड़की में भेद करते हैं, पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे लिए खास बन जाती है, और उसी तरह हम भारत को महासत्ता बनाने का, अतुल्य भारत बनाने का सपना भी देखते रहते हैं. इसी चीज पर एक करारा प्रहार है दंगल जैसी एक निर्मिति. आने वाले समय में भी आमिर जी और उनकी सहयोगी टीम ऐसे ही फिल्मों का निर्माण कर समाज को, देश को नई दिशा, नई प्रेरणा देती रहेगी. इसी शुभकामना के साथ आज हम दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से उन्हें गौरवान्वित करते हैं. हम सब के साथ अध्यक्ष जी विनंती करती हूँ आपसे, हमारी भावनाएं उन तक पहुँचाइए. नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही सम्मान, बड़ा सम्मान है मेरे लिए, नितेश के लिए. नितेश जी लेखक और डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दीदी का, दीनानाथ ट्रस्ट का और पूरे कुटुंब का, मंगेशकर कुटुंब का, कि ये इज्जत जो मुझे मिली है, जो हमारी फिल्म को मिली है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. फिल्म जो होती है वो एक लेखक से शुरू होती है, और
इस फिल्म को जो इतनी इतना प्यार मिला है, इतना इतनी इज्जत मिली है पूरे देश से, उसकी एक ही वजह है कि नितेश जी ने ये कहानी लिखी और इतनी बेहतरीन बनाई है। और इससे पहले कि मैं उनसे कहूँ कि वो दो शब्द कहें, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ, जो कुछ मैं हूँ, उसका श्रेय जो है वो उन सारे लेखकों को जाता है जिनकी फिल्में मैंने की हैं, जिनकी फिल्मों में मैंने काम किया है, वो सारे लेखकों को और वो सारे डायरेक्टर्स को, उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनके बेहतरीन काम के वजह से मुझे एक मौका मिला है कि मैं उसका हिस्सा बन सकूँ, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं ये स्वीकार करता हूँ। नितेश जी, एक्चुअली जो भी मुझे कहना था मोस्टली आमिर सर ने बोल ही दिया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा। ये ना सिर्फ मेरे लिए और आमिर सर के लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमें इतना बड़ा पुरस्कार जो मिला है। और मैं आपका सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। और साथ में एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ इस देश की पब्लिक का, जिन्होंने दंगल को इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, वो भी हमारे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। या नंतरचा पुरस्कार आहे समर्पित जीवन गौरव पुरस्कार। आज तो प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांना स्मृती प्रतिष्ठानच्या वतीने अर्पित केला जात आहे। ज्ञानेश्वरांचं पसायदान हा विषय मगाशी चर्चेला आला तेव्हा दीदी रामेश्वर रुई नावाच्या लातूर जिल्ह्यातल्या एका छोट्याशा खेड्यातनं एका सर्व स्मृती प्रतिष्ठानच्या वतीने आज या गौरव पुरस्कारानं त्यांनी केलेल्या या समर्पित कार्यासाठी कृतज्ञतापूर्वक हा पुरस्कार त्यांना अर्पण करावा। सरांना विनंती करते विल इमर्ज एज अ नॉलेज फॉर द होल वर्ल्ड। जगामध्ये माझी भारत माता ज्ञानाचं जालं म्हणून उदयाला येईल। आणि अभिलाषी पुरस्कार रंगभूमीप्रती असलेली आम्हा सगळ्यांची आवड आणि निष्ठा या पुरस्काराच्या स्वरूपात पोहोचवली। अलौकिक क्षणाचा जागर करण्यासाठी यानंतरचा पुरस्कार येतो आहे गुणवत्ता गौरव सन्मान पुरस्कार असं या पुरस्काराचं नाव आहे। आणि दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त श्रीराम गोपटे यांच्या नावानं आजपासून हा पुरस्कार पुढे दिला जाणार आहे। प्रसार माध्यमांमध्ये विशेष करून अचूक गमक आपल्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत ज्यांनी जाणलेलं आहे अशा एका व्यक्तिमत्वाला आम्ही सन्मानित करत आहोत। आपल्या विपणन शास्त्रातल्या MBA आणि डॉक्टरेट सारख्या ज्ञानाचा आणि बहुराष्ट्रीय उद्योग संस्थांमध्ये अधिकार पदांवर काम करताना आलेल्या अनुभवाचा उत्तम संसाधन म्हणून वापर करत विनंती करेन आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं हा पुरस्कार त्यांनी आपल्याला अर्पण करावा अशी विनंती।
डॉक्टर उदय हमारे सामने सपने के रूप में रखा, उसी सपनों में से इंडस्ट्री ने देखा हुआ एक स्वर्णिम सपना है। डो आई ब्यूटी की उपाधि से सिने माध्यमों ने जिनको सराहा, उनकी और एक भी पहचान है, और वो पहचान है सारी तकनीकी बारीकियों के साथ लाश से प्रकट करने वाली भरतनाट्यम नृत्य की साधना करने वाली वो आज एक गुरु स्वरूप बन चुकी है। आज भी इस क्षेत्र में कभी भी उनका जिक्र होता है तो सारे लोग खड़े होकर उनको मानवंदना देते हैं। नृत्य और अभिनय की इसी तपस्या के चलते आज मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से उन्हें विशेष गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अध्यक्ष मोहन जी भागवत को विनंती करेंगे ये पुरस्कार उन तक पहुंचाने का। जय महाराष्ट्र। सबको मेरा नमस्कार। ये महान समारोह जो हो रहा है, जिसमें मुझे महाप्रसिद्ध श्री दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है।